Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Ridhi Agrawal and I'm here with the part 3 of JIPMER English questions or rules. तो आज हम कुछ prepositions की बात करेंगे जो कि हम position show करने में लगा सकते हैं या direction show करने में लगा सकते हैं, ठीक है? So start करते हैं हमारे पहली part से, that is prepositions showing position. तो कुछ ऐसे prepositions होते हैं जो कि position show कर सकते हैं हमारा. पहला है at और in. अब एट और इन में क्या डिफरेंस है? एट जो है वो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है, जैसे ही लिव्स एट ब्रह्मपुरी, इस तरह से. और इन जो है वो एक बड़ा एरिया दिखाता है, जैसे ही लिव्स इन राजस्थान या ही लिव्स इन बिहार, ही लिव्स इन यूपी, इस तरह से. तो एट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है और इन मतलब एक बड़ा एरिया. तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अगर एट को हम प्रेपोजिशन शोइंग टाइम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एट और इन को, तब एट हमारा क्या दिखाएगा? एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे इसमें एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, वैसे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन माइंड. जैसे आई गो टू माई कॉलेज एट 7:30 AM एवरी डे, इस तरह से. या फिर ही विल कम एट होली. तो एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है ये टाइम का. लेकिन इन मतलब जनरली हम एक स्पेसिफिक टाइम, पीरियड, मंथ या ईयर को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो होता है इन. जैसे आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग या आई शैल कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ईयर, इस तरह से. देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है बिटवीन और अमंग. बिटवीन मतलब इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन्स एंड थिंग्स. किसी भी दो चीज़ों या दो इंसानों के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उसमें हम बिटवीन यूज़ करते हैं. जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड सुरेश, इस तरह से. लेकिन जब हम अमंग यूज़ करते हैं तब उसमें दो से ज़्यादा चीज़ें या इंसान होते हैं. इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. लाइक द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 गर्ल्स इन द फैमिली या 10 मेंबर्स इन द फैमिली, इस तरह से. तब हम अमंग यूज़ करते हैं. तो ये बात ध्यान रखनी है, बिटवीन हम जब यूज़ करेंगे जब दो लोग होंगे या दो चीज़ें होंगी. लेकिन अगर दो से ज़्यादा हुई तो हम अमंग यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा अमंगस्ट. अब अमंगस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो से ज़्यादा इंसान है. बट इट इज़ ऑलवेज यूज बिफोर अ वॉवल. लेकिन एक बात है, अमंग और अमंगस्ट में यही डिफरेंस है कि हम अमंगस्ट को हमेशा जब भी वॉवल होगा उससे पहले यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे. लेकिन अमंग के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है. जैसे डिवाइड द ऑरेंजेस अमंगस्ट अस, तो यू आ गया. यू एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवल हैं, बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फाबेट. तो जब भी ये वॉवल आएंगे तो हम अमंगस्ट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अमंग के लिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है. लेकिन दोनों ही जब यूज़ होंगे, जब दो से ज़्यादा इंसान या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी. नेक्स्ट आता है हमारा अबव और अंडर. अबव इज़ यूज फॉर हायर देन, मतलब कोई चीज़ ऊँचे जगह पर रखी है या ऊँची है तो उसको हम बोलेंगे अबव. जैसे द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इनफैक्ट अबव द क्लाउड्स. तो एरोप्लेन जो है वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था स्काई में, इनफैक्ट क्लाउड्स के भी ऊपर जा रहा था. तो हायर देन. देन बिलो इज़ यूज फॉर लोअर देन. बिलो जब कोई चीज़ नीचे है, निचली हिस्से में है तो उसको बोलते हैं. हिज आउटपुट इज़ बिलो आर्स, उसका जो आउटपुट है वो हमसे कम है, कमतर है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा अंडर और ओवर. अंडर इज़ यूज फॉर वर्टिकली बिलो. अंडर मतलब जब एकदम कोई चीज़ आपके ठीक नीचे हो, वर्टिकली आपके नीचे हो, तो उसको हम बोलते हैं अंडर. लाइक वी सिट अंडर द ट्री व्हेन वी हैव नो क्लास. तो जब हमारी कोई क्लास नहीं होती तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. और ओवर मतलब कोई चीज़ एकदम ऊपर हो, वर्टिकली अबव हो आपके, तब. लाइक देयर इज़ अ सेपरेट रूम ओवर द गैरेज. गैरेज के जस्ट ऊपर, वर्टिकली अबव, एक अलग से रूम बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बीनीथ. बीनीथ मतलब एक लोअर पोजीशन, एक निचली जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं बीनीथ. लाइक द ग्राउंड वॉज सॉइल्ड बीनीथ हर, जो उसके नीचे ग्राउंड था वो एकदम मिट्टी से भरा हुआ था, मिट्टी वाला था या गंदा हो गया था उसके नीचे वाला ग्राउंड, ठीक है. तो इस तरह से हम बोलते हैं. अब कुछ ये हो गए हमारे प्रपोजिशंस जो पोजीशन शो करते हैं. अब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस भी हमारे जो टाइम शो करते हैं, जैसे एट और इन तो मैंने बता ही दिया. एक आता है हमारा ऑन और बाय. तो ऑन जब हम यूज़ करेंगे, जब हम डेज या डेट्स के साथ यूज़ करेंगे तब. जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 14th of July, इस तरह से. और बाय हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट टाइम, जब तक वो एक एक्शन ओवर नहीं हो जाता तब. जैसे द मीटिंग विल ब्रेक बाय 4 PM, मीटिंग जो है 4 PM तक ख़त्म हो जाएगी, इस तरह से. फिर दूसरे वर्ड्स आते हैं हमारे फॉर और सिंस. फॉर हम यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ यूज विद अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो जब हमें कोई टाइम पीरियड बताना है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम इसको यूज़ करेंगे. जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन मगध यूनिवर्सिटी फॉर द लास्ट 27 years. तो कंटिन्यूस है ना, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, जब से काम कर रहा हूँ. तो मैं पिछले 27 साल से मगध यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा हूँ या मगध यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता जा रहा है, इसीलिए हम फॉर यूज़ करेंगे. एंड सिंस इट शोज द पॉइंट ऑफ टाइम, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कंटिन्यूटी. सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है हमें,
ठीक है, जैसे इंडिया हैज़ बिन इंडिपेंडेंट सिंस 1947, तो एक पर्टिकुलर टाइम आ गया हमारे पास 1947, तब से इंडिया इंडिपेंडेंट है, तो इसमें हम सिंस यूज़ करेंगे। एक और लास्ट वर्ड आता है इसमें फ्रॉम। फ्रॉम आप कब यूज़ करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक एक्शन का, उसके लिए। जैसे ही इज़ ज्वाइनिंग द न्यू फर्म फ्रॉम द 1st of May, तो 1st May से वो नई फर्म जो है उसे ज्वाइन कर रहा है। तो ये होगा हमारे प्रेपोजिशंस जो कि टाइम को शो करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं हमारे जो डायरेक्शन को शो करते हैं, वो कौन से हैं? पहला है टू। इट इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम टू यूज़ करेंगे। जैसे द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। टुवर्ड्स पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। टुवर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम पॉइंट आउट करेंगे, तभी हम टुवर्ड्स यूज़ करेंगे, नहीं तो हम टू यूज़ करेंगे। जैसे द लायन रैन टुवर्ड्स द हंटर, लायन जो है वो हंटर की तरफ भाग रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ हंटर की तरफ भाग रहा है, तो उसके लिए हम टुवर्ड्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनटू। इनटू मींस इंडिकेट्स अ मूवमेंट इनसाइड समथिंग, किसी के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनटू। जैसे द थीफ एंटर्ड इनटू द रूम, जो थीफ है वो रूम के अंदर घुस गया, तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है एट। सो एट इंडिकेट्स एम, कोई एम है आपका पर्टिकुलर, उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। जैसे द हंटर एम्ड एट द लायन, तो हंटर ने लायन की तरफ एम किया। नेक्स्ट है फॉर। फॉर मतलब डायरेक्शन को डिनोट करता है फॉर। जैसे आई शैल स्टार्ट फॉर बिहार टुडे या आई शैल स्टार्ट फॉर ओडिशा टुडे, मतलब कि आज मैं पटना के लिए, ओडिशा के लिए, बिहार के लिए चालू कर रहा हूँ और कल तक पहुँच जाऊँगा या परसों तक पहुँच जाऊँगा, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए। ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन, ओ डबल एफ है ये, तो ओ डबल एफ मतलब सेपरेट होना। जैसे ही हैज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, जैसे ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कार से अलग जो है हो गया, थ्रोन ऑफ मतलब उससे बाहर निकल के वो कहीं गिर गया। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, एक जगह से आप डिपार्ट कर रहे हो, वहाँ से अलग हो रहे हो, वहाँ से आप जो है जा रहे हो दूसरी जगह पे, डिपार्ट हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉम। जैसे वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, तो जब हम अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं हम दुखी होते हैं। नेक्स्ट इज अगेंस्ट, इट शोज प्रेशर। सो आई रेस्टेड माई आर्म्स अगेंस्ट दी वॉल, तो मैंने अपनी आर्म्स जो है उन्हें वॉल के अगेंस्ट रेस्ट करा दिया, तो अगेंस्ट मतलब एक प्रेशर दिया मैंने वॉल पे। नेक्स्ट अलॉन्ग, इट शोज द सेम लाइन, अलॉन्ग मतलब उसी लाइन पे, उसी तरीके पे, उसी लीक पे आप चल रहे हो। सो आई वॉक्ड अलॉन्ग दी शोर, तो ये शोर की लाइन थी और इसी लाइन पे मैं चल रहा था या चल रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड, अक्रॉस मतलब एक तरफ से। आई रैन अक्रॉस दी रोड, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ भागा, तो एक तरफ से दूसरी तरफ भागने को हम बोलेंगे अक्रॉस। देन बिफोर डिनोट्स फेस टू फेस, मतलब एकदम आमने सामने आ जाना। I was standing before my wife. मैं अपनी वाइफ के बिल्कुल सामने खड़ा था, बिल्कुल फेस टू फेस आ गया। नेक्स्ट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब बैक ऑफ समवन और समथिंग, किसी के पीछे या किसी चीज़ के पीछे खड़े होना या बैठना या होना, कुछ भी होना। सो माई डॉटर स्टूड बिहाइंड मी, मेरी बेटी मेरे पीछे खड़ी थी। देन नेक्स्ट इज बिसाइड, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में होना। जैसे द सिक्योरिटी गार्ड सिट्स बिसाइड द ऑफिसर, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ऑफिसर के बिल्कुल बगल में बैठा रहता है। नेक्स्ट इज आफ्टर, इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस, जैसे द चाइल्ड केम रनिंग आफ्टर द मदर, तो आफ्टर एक सीक्वेंस शो करता है कि चाइल्ड जो है वो अपनी मम्मी के पीछे भागता हुआ, तो उसकी मम्मी तो आई रही थी, उसके पीछे पीछे भागता हुआ बच्चा भी आ गया, तो एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रेपोजिशंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। इसलिए मैं आपको 8 क्वेश्चंस दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, आपको उन्हें सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं वहीं आपको बता दूंगी कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा आपका रॉन्ग है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से। सो इट इज़ डेंजरस टू इंट्रूड डैश द एनिमीज कैंप, तो इन चारों में से कौन सा आएगा वो फिलअप करना है। और जब आप आंसर दो तो साफ साफ लिख के देना, 1 का ए है, बी है, सी है, डी है, फिर 2 का ये है, तो इस तरह से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। नेक्स्ट है अ गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन, तो जितने भी मैंने प्रेपोजिशंस बताए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इनकी फिलअप करना है इन सबको। नेक्स्ट है ही वॉज किल्ड डैश अ हाईवे मैन डैश अ डैगर, इसमें दो दो हैं, जैसे ही वॉज किल्ड बाय अ हाईवे मैन फॉर अ डैगर, इस तरह से। Now finding myself short dash money, I wrote dash my uncle dash help. जैसे हम इसमें थर्ड ले लेते हैं, तो finding myself short with money, I wrote to my uncle for help, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा
ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन डैश ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स. एब्सटेन का मतलब मैं बता देती हूँ, दूर रहना, ठीक है. देन इट इज नॉट ऑलवेज ईजी टू सिंपथाइज डैश एन अनफॉर्चुनेट मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिड डैश द बैड कोल्ड एंड शी कुड नॉट डिसोसिएट हर सेल्फ डैश वॉट शी सेड अर्लियर. तो ये आठों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और मैं होप करती हूँ कि आपको सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए होंगे. कल हम कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे हम जो है कुछ पेपर्स सॉल्व करेंगे, हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स जिपमर पेपर में आ चुके हैं. अच्छा, एक और बात है, नीट की ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज हो गई है, तो मैंने उसका वीडियो डाल दिया है आपको कैसे असेस करनी है. दूसरी तरफ आप अगर कोई आंसर चैलेंज करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है. तो इन दोनों के लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे और जब वीडियो ख़त्म होने वाला होगा तब आपको यहाँ बॉक्स में भी उन दोनों के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है. सो उसे देख लेना और अगर कोई आंसर आपको चैलेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो. ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.